ने प्लान किया और फिर वारदात को इतनी सफाई से अंजाम दिया जिसकी सच्चाई सुनकर भी रूह कांप उठे। इश्क, बदला और सहेली की हत्या। आशिक ने दिया साथ, खूनी वारदात। सीरियल से सीखा जुर्म का तरीका। हाँ, जैसे पायल ने इसमें पूछताछ में बताया एक सीरियल है कबूल है, उसका कोई एपिसोड देख के उसको मतलब मिलती जुलती उसने एक प्लॉटिंग करी। क्राइम का भी उन्होंने एपिसोड और कुछ क्राइम के कुछ एपिसोड्स डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं। 13वीं के बाद वो जिंदा हो गई। माँ बाप की मौत का खूनी बदला। ग्रेटर नोएडा की बिशरख थाना पुलिस ने एक ऐसे सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर एक निर्दोष युवती को मौत के घाट उतारा। न केवल मौत के घाट उतारा बल्कि पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को तेल से झुलस तक दिया। अभी तक दुनिया जिसे आशिकी समझती रही वो असल में ऐसी साजिश निकली जिसकी सच्चाई रूह को सन कर देगी। सहेली की लाश को अपना बताकर संगीन जुर्म की साजिश रचने वाली उस शातिर ने कटघरे में जब अपने गुनाह की हकीकत बताई तो सामने आया कि इश्क ही नहीं बल्कि जुर्म के पीछे एक बड़ी वजह बदला लेने का मंसूबा भी था। ये घटना की कहानी कुछ महीने पूर्व शुरू हुई जब पायल के भाई अरुण की शादी हुई थी। अरुण ने अपनी शादी में अपने बुआ के लड़के सुनील से कुछ पैसा उधार लिया था। उसके अलावा अरुण के अपने ब्रदर इन लॉ जो है, जो इसकी वाइफ स्वाति के भाई है, उनसे भी अनबन चल रही थी। इन सभी बातों को लेकर इनके घर में तनाव रहता था जिसके बाद डिप्रेशन में आकर इन दोनों के माँ बाप ने, पायल और अरुण के माँ बाप ने आत्महत्या करी थी, जिसका जिम्मेदार पायल सुनील को और अरुण के ब्रदर इन लॉज को और उसकी वाइफ को मानती थी। पायल भाटी के गुनाह कहानी को अगर समझना है तो कैलेंडर के पन्नों को करीब 6 महीने पीछे लेकर जाना होगा। पायल की जिंदगी में ये तारीख किसी भूचाल से कम नहीं थी। इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं। 22 मई के रोज ही पायल के माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। वजह थी उसके भाई की शादी को लेकर परिवार पर बना हुआ दबाव, जिसका नतीजा उस मकान में हुई 2 मौत थी। इसने और अजय ने इनकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन इन्हें यह जरूरी लगा कि इनकी हत्या करने से पहले ये जरूरी है कि पायल अपनी आइडेंटिटी को छुपाए और अपनी डेथ को फेक करे। इसके लिए अजय ने हेमा नाम की लड़की से संपर्क किया जिसकी बिल्ट, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन पायल से मिलता जुलता था, और उसे पायल के घर बुलाया। उस रात पायल ने अपने घर में सभी लोगों को स्लीपिंग पिल्स डिनर में दी थी। उसका असल शिकार परिवार के ही वो लोग थे जिनको वो अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मानती थी, मगर कत्ल से पहले अपनी मौत का झूठा खेल तैयार करना भी जरूरी था। जुर्म के बाद वो कानून की आंखों में धूल झोंकना चाहती थी और इसी कश्मकश में उसने करीब 6 महीने के अंदर एक ऐसी लड़की की तलाश की जो उसकी कदकाठी की ही थी। और 12 नवंबर की रात जुर्म की पटकथा का पहला अध्याय लिखा गया। प्रेमिका चाहती थी कि उसका परिवार इस बात को समझ ले कि उसने आत्महत्या कर ली। अपने कपड़े उसको पहनाकर अपने घर के अंदर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी के साथ प्रेमिका फरार हो गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने अजय ठाकुर और युवती को, जो प्रेमिका है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन दोनों के पास से महिला का मोबाइल फोन, एक तमंचा, चाकू और तमाम चीजें बरामद हुई हैं। अपने इरादों में उसको आधी कामयाबी मिल चुकी थी। अपनी मौत का परपंच उसने तैयार कर लिया था। सहेली का कत्ल कर उसको अपनी लाश साबित कर दिया था। एक सुसाइड नोट के जरिए घर वालों को यह यकीन दिला दिया कि पायल अब इस दुनिया में नहीं रही। घर वाले इस बात पर यकीन कर चुके थे कि पायल की मौत हो चुकी है। अब उसके इरादे जुर्म का दूसरा अध्याय लिखने के थे। अब वो उन लोगों का कत्ल के मंसूबे रच रही थी जिनको वो अपने माँ बाप की हत्या का जिम्मेदार समझती थी। नवंबर की रात पायल भाटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने गुनाह की पटकथा का पहला अध्याय पूरा कर लिया। 6 महीने में अपनी ही कदकाठी की हेमा से दोस्ती बढ़ाई
और फिर इसी दोस्ती का हवाला देकर आशिक की मदद से जुर्म को अंजाम दिया। हेमा को अजय इनके घर पर लेकर आया तो इन दोनों ने गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पायल ने हेमा के मुंह पर खोलता हुआ तेल डाला और उसकी जो गले पे इंजरी है वहां पर भी खोलता हुआ तेल डाला, जिससे आइडेंटिटी और इंजरी दोनों को छुपाया जा सके। उसके बाद उसके रिस्ट पर कट बनाए और अपने कपड़े पायल ने हेमा को पहनाए और एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने बताया कि कुकिंग करते समय उसके चेहरे पर तेल गिर गया था, जिससे डिप्रेशन में आकर के उसने ये कदम उठाया। अगले दिन हेमा की बॉडी को पायल का मानते हुए घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। खोलते हुए तेल ने लाश के चेहरे को पूरी तरह जला दिया था। उस वक्त लड़की की पहचान करीब करीब नामुमकिन थी। रही सही कसर कागज के उस टुकड़े पर लिखे गए उस झूठे सुसाइड नोट ने पूरी कर दी। घर वालों ने हेमा की लाश को पायल मानकर अंतिम संस्कार भी कर दिया। इधर पायल अपने आशिक के साथ बुलंदशहर में घर बसा चुकी थी और अब उसका निशाना अपने परिवार के चंद लोगों पर था, जिनको वो माँ बाप की मौत का जिम्मेदार मानती थी। इस घटना को कारित करने के बाद ये दोनों लोग पायल और अजय बुलंदशहर साइड निकल गए, जहाँ पे इन्होंने अपनी मेन घटना को अंजाम देने के लिए एक कंट्री मेड पिस्टल और कुछ कारतूस भी खरीदे और जो इनके प्राइम टारगेट्स थे उनकी रेकी भी करी, लेकिन उनकी हत्या करने में ये लोग सफल नहीं हो पाए। खोलते हुए तेल से सहेली के चेहरे की पहचान बिगाड़ कर वो अपने आशिक के साथ बुलंदशहर में जाकर बस गई। यही उन दोनों ने शादी भी रचा ली, मगर अभी भी पायल के इरादे अपनी बुआ के लड़के और चंद रिश्तेदारों को मौत की नींद सुलाने का था। इसके लिए वो अपने आशिक के साथ मंसूबे तैयार करती रही। इस घटना को अंजाम देने के पीछे की अगर इनकी वारदात की बात करें तो इन लोगों की मंशा ये थी कि जो प्रेमिका है उसके माता पिता ने 22 मई 2022 को आत्महत्या कर ली थी और उस आत्महत्या का जिम्मेदार वो अपने बुआ के लड़के और अन्य रिश्तेदारों को मानती थी। उनको मौत के घाट उतारने के लिए खुद की पहचान छुपाई, प्रेमी से शादी करनी थी और इन तमाम मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस युवती ने इस पूरे खेल को रचा। हेमा का कत्ल और उसी लाश को अपना बताकर पायल भाटी अब बुलंदशहर में जुर्म के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़ चुकी थी, मगर शायद वो ये भूल चुकी थी कि अपने पीछे वो एक जुर्म करके यहाँ तक पहुँची है। 12 नवंबर के बाद से पायल और उसका आशिक अजय ठाकुर जुर्म के मंसूबे तैयार कर रहा था, लेकिन इधर नोएडा से लापता हुई हेमा की तलाश अब तेज हो चली थी। इसमें जब ये मिसिंग लिखी गई थी तो जो बाकी जो टेक्निकल हमारा एविडेंस होता है वो काफी डिटेल में आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसको देखते हुए कुछ कॉल्स देखते हुए कुछ मूवमेंट्स देखते हुए सस्पेक्ट्स की और जो मृतका है उसके मूवमेंट्स को देखते हुए चीजें एनालाइज करी गई, कड़ियां जोड़ी गई। कई चीजें डिटेल्स हमें डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द एविडेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। हेमा की तलाश में ही पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए कातिलों तक पहुंच गई। जुर्म के 19वें दिन सुरागों का पीछा करते करते खाकी कातिलों तक पहुंच गई। जुर्म के लिए दोनों गुनहगार वारदात में साथ देने वाले राजदारों के साथ गिरफ्त में पहुंच चुके हैं और हेमा का परिवार अपनी बेटी के साथ हुए गुनाह अजीम के लिए कातिलों को सजाए मौत देने की मांग कर रहा है। हम चाहते हैं इस तरह से स्क्रिप्ट नो लिख के बना के प्लान करके इनको, जैसे इन्होंने कत्ल को अंजाम दिया है, ऐसे बंदों को जीने का अधिकार नहीं है। ये शायद आगे निकल के फिर भी किसी की जान पे हावी हो सकते हैं। ये प्लान करके मारने वाला ये बहुत ही संदिग्ध मामला है। ये बहुत ही फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए इन बंदों को, दोनों को। पायल और उसके आशिक अजय ने शायद यही सोचा कि हेमा की लाश को पायल समझकर उनका जुर्म छिप जाएगा, फिर वो अपने असल मंसूबे में कामयाब होकर भी कानून की पकड़ से दूर रहेंगे। लेकिन हेमा की गुमशुदगी ही उनके लिए गले का फंदा बन गई। इस पूरे प्रकरण में हेमा की गुमशुदगी थाना बिसरक पर लिखी गई थी। यहाँ पे थाना बिसरक पुलिस टीम ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से इसमें एविडेंस कलेक्ट किया है। विशेष तौर पे जो सब इंस्पेक्टर उपेंद्र हैं जिनके पास इस मिसिंग की शुरुआती जांच थी, उन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से और बाकी टीम ने SHO बिसरक ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से इसको हैंडल किया है केस को। बाकी चेन ऑफ कस्टडी बनाई जा रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो जल्दी कंप्लीट करी जाएंगी। जुर्म का तरीका तो बेहद शातिराना था। एक सीरियल को देख देख कर क्राइम का पूरा किस्सा तैयार किया गया। सहेली की लाश की मदद से वारदात को छिपाया गया। बेहद सुनियोजित तरीके से 6 महीने में एक एक कदम रखे गए।
इरादा था पहले अपनी नकली मौत का खेल रचना, फिर अपनी दोस्त की लाश को अपना ही बेजान जिस्म साबित करना। असल निशाना परिवार के चंद लोगों पर था, मगर वारदात के 19 दिन के अंदर ही हर किरदार कटघरे में खड़ा दिखा और जुर्म का खुलासे ने साबित कर दिया कि साजिश कितनी भी शातिराना हो, उसका अंजाम आरोपी को सलाखों के पीछे लेकर पहुंचता ही है। एक सीरियल को देखकर इस पूरी पटकथा को लिखा गया था, एक सीरियल देखा गया, कुछ क्राइम के जो सीरियल हैं वो देखे गए और तमाम तरीके से इस पूरी घटना को एक संयोजित तरीके से अंजाम दिया गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब इनके पास से बरामद चीजों के बाद जो परिवार है